गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कभी किसी ने पूछ लिया, हम लेडीज़ को गुस्सा क्यों बहुत आता है, इरिटेशन क्यों बहुत होती है? सभी की ये प्रॉब्लम है, सभी की लाइफ में ये फेस चल रहे हैं, तो ये हम ही को क्यों होता है, मेल्स को क्यों नहीं होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम लेडीज़ कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं जिम्मेदारियों में। 24 घंटों में से शायद ही एक दो घंटे कुछ मिल जाते हैं जिसमें बॉडी पे काम करें या इमोशंस पे काम करें या करियर का कुछ करें, कुछ समझ में नहीं आता, सब मिक्सअप हो जाता है। दूसरा, हमारे हॉर्मोन्स पूरी लाइफ टाइम, प्यूबर्टी से लेके डिलीवरी और मेनोपोज, सारी लाइफ टाइम अप एंड डाउन होते रहते हैं। प्यूबर्टी में हाई होते हैं और आफ्टर डिलीवरी और मेनोपोज के टाइम पे लो हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन खास करके। तो ये हमारे मूड पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जिस चीज़ों में हम कभी रिएक्ट ना करते हैं, उस चीज़ों में हम बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। वैसी चीज़ें लेडीज़ की लाइफ में होती है, खास करके हॉर्मोन्स की वजह से। दूसरा एक रीज़न है कि पीरियड्स से पहले बॉडी में B12 का कंजप्शन एकदम से बढ़ जाता है, हमें रिक्वायरमेंट B12 की ज़्यादा रहती है। बट ज़्यादातर इंडियन लेडीज़ वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो हमें B12 के बहुत लिमिटेड सोर्सेज रह जाते हैं, जैसे वॉलनट, मूंग, वो सारी हो जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें हो जाती है, वो बहुत लिमिटेड रह जाती है। बाकी अंडे में से, नॉन वेजिटेरियन फूड में से B12 बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तीसरा, हम लेडीज़ का थोड़ा सा स्वीट खाने का कम होता है और सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, अचार, पापड़, नमकीन, वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, बेसिकली हमारे फीमेल हॉर्मोन्स की वजह से और हमारे जीन्स की वजह से, जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी रहता है इस चीज़ों की। तो सॉल्ट के इंटेक की वजह से क्या होता है, बॉडी में पानी का रिटेंशन होता है, मतलब पानी बॉडी में भरने लग जाता है, जो निकल जाना चाहिए, फ्लश आउट हो जाना चाहिए, वो नहीं होता है। तो धीरे धीरे फिर BP बढ़ने लग जाता है, वो सारी चीज़ें, तो और गुस्सा बढ़ जाता है। जब BP बढ़ने की समस्या शुरू हो जाए तो और गुस्सा बढ़ने लग जाता है। तीसरी चीज़, वाटर इंटेक, दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में हमारा वाटर इंटेक बहुत कम हो जाता है। और फोर्थ थिंग कि जब भी हम सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब हम वॉकिंग करेंगे, बट ऐसा टाइम कभी आता नहीं है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में, घर के चक्कर में, बाहर के काम के चक्कर में, बच्चों की पढ़ाई रहती है, उसके चक्कर में हम कभी भी वो टाइम निकाल नहीं पाते हैं। जबकि हमें पता है, आजकल सबको पता है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, आप वो आप कर सकते हैं, बट वो करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि एक तो B12 का इंटेक बढ़े, मशरूम्स में से भी B12 मिलता है, या फिर टैबलेट ही ले ली, मूंग में से, एग्स में से, सब में से B12 अच्छा खासा मिल जाता है, वॉलनट्स में से बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। एक्सरसाइज करें और पानी का इंटेक बढ़ा दें। एंड दूसरा, कि जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट पड़ता हो, चलो आपको ऐसी कोई जॉब नहीं करनी जो पार्ट टाइम हो, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ करना चाहें, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ करना चाहें, तो कम से कम अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के बेहतर बनाने की कोशिश करें। मूड बेहतर बनाने के लिए भी सोशलाइजिंग करें, जैसे किसी फ्रेंड को कभी आप आधा घंटा भी मिल लेंगे
तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। वेंट आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद की चीज़ें क्या है वो भी सोच लें, उसका भी लिस्ट बना लें, उसकी तरफ भी थोड़े से एफर्ट डाल लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों, हस्बैंड, इन लॉज, सबके फ्लेवर का ध्यान रखने में, सबकी पसंदीदार चीज़ें बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या खाना है। तो थोड़े से बेसिक चीज़ों पे एफर्ट्स डाल लेंगे, उस पर एक्शन करेंगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा। और जब तक, हाँ, ये सेम चीज़ जैसे एरोप्लेन्स में लागू पड़ती है, हमारी लाइफ में भी लागू पड़ती है। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाएंगे, तब तक हम किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे। ना हम मास्क लगाएंगे, ना हम किसी को मास्क लगा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपना ध्यान रखें, सोचिए कि क्या चीज़ है, क्या कमी है जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है। डेलीगेट करिए काम को, जहाँ जहाँ पॉसिबल है किसी और को सौंप दें या किसी मेड की हेल्प ले लें। डेलीगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो सारी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी सारी चीज़ें घर की आप ही करते रहोगे और अपना ध्यान आप कभी भी नहीं ले पाओगे। वो टाइम कभी भी नहीं आएगा जब आप को टाइम मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, लेना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, छीन लेना पड़ता है टाइम। आई होप कि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरे इस वीडियो की वजह से। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दैट्स इट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।